हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आई एम मुझी। आज मैं आप सभी लोगों से जिस इसकी रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो है ये लोटस हर्बल सेफ सन 3-in-1 मैट लुक डेली सनब्लॉक सन प्रोटेक्शन स्किन लाइटनिंग एंड मैटिफाइंग। SPF 40 है, PA ट्रिपल प्लस है, UVA UVB प्रोटेक्शन ये आपको देता है, ऑल टाइप स्किन के लिए है और टिंटेड भी है। जी हाँ, 290 रूपीज का आता है और इसकी सेल्फ लाइफ जो है अप्रोक्स 3 साल की इसकी सेल्फ लाइफ है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये मैंने कब खरीदा था। ये मैंने ना बिल्कुल लॉकडाउन के टाइम पे खरीदा था, मैंने जब मुझे कोई सनस्क्रीन नहीं मिल रहा था तो मेरे घर के पास वाली शॉप पे मुझे ये मिला था और काफी दिन हो चुके हैं। उसके बाद मैं इसकी क्यों रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट जो थी उनके रिव्यू पेंडिंग थी, दैट्स वाई। ये क्रुएल्टी फ्री भी है, ये कहता है कि ये 3-in-1 डेली सनब्लॉक है जो कि आपके स्किन को यूवीए यूवी से बचाती है, आपकी स्किन को मैट रखती है, मैट फिनिशिंग देती है, काफी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, स्किन को साइन फ्री रखती है और काफी लाइट फील कराती है आपको इसे सन में। यानी कि अगर आप सनलाइट पर निकल रहे हो ना, उससे 20 मिनट पहले आप इसे यूज कर ले। तो इस तरह की इसकी एक बोरिंग सी पैकेजिंग है, एज यूजुअल लोटस की ऐसे ऑरेंज पैकेजिंग होती है उस तरह की। और मैं अब आपको इस प्रोडक्ट के बारे में मैं सोच रही हूं, मैं बताऊं तो क्या बताऊं। एक तो 50 ग्राम का आता है, उस पर से तो अप्रोक्स 300 रूपये की इसकी प्राइस है, पर क्यों है ये मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि इसकी जो इन्ग्रीडियंट्स लिस्ट है इस पे मैसिवली, यानी कि कितनी मैं चिल्ला के कहूं कि मैसिवली केमिकल भरी पड़ी है, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये कुछ इस तरह की दिखती है, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा निकल चुकी है और ये इस तरह की टिंटेड है। अब मैं आपको कितना दिखाऊं, मैं आपको थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाती हूँ। और इसकी जो स्मेल है ना, वो काफी क्रीमी पाउडरी स्मेल है। पहले जो वो क्रीम आती थी ना गोरे बनाने के लिए कि गोरा बन जाए, उस तरह का एक स्मेल है और टिंटेड है ये। बस आपको ऐसा 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 कर स्किन पे, आप इसको भी ऐसे रगड़े ना स्किन पे, अगर लगा रहे हो तो ऐसे डैप 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 कर ले सनस्क्रीन को, तो ये अंदर पेनिट्रेट हो जाती है। तो ये अच्छी खासी पेनिट्रेट हो जाती है स्किन पे, मैंने कि एकदम भी ग्रेसी फीलिंग नहीं देती है, मैट फिनिश देती है। आप देख सकते हैं डिफरेंस है, ये काफी अच्छा लग रहा है, मैट फिनिश है, शाइन नहीं है बिल्कुल भी और सूदिंग फीलिंग एक दे रहा है स्किन को। बट वो जो मैसिव केमिकल है वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। काम तो ये अच्छा करता है, अच्छा खासा सन से आपको प्रोटेक्शन देता है, यूवीए यूवीबी है, टिंटेड होने की वजह से स्किन जो है काफी इवन लुक में लगती है, काफी क्लीन लगती है, ब्राइट लगती है, बिल्कुल भी अनइवन सा फीलिंग नहीं देता है, नॉन ग्रेसी लगती है, नॉन शाइनी लगती है। काम इसका सुपर्ब है, यस काम इसका सुपर्ब है, बट अब हम क्या कह सकते हैं, इतना मैसिव केमिकल वाला है ना कि इसे दूर करके फेंकने का दिल करता है। अगर ये केमिकल्स नहीं होती ना तो ये बेस्ट सनस्क्रीन होता है। मैं इसे परचेस करूंगी नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी है थोड़ा सा, मैंने इसे यूज किया ही नहीं है लॉकडाउन के बाद से, मैंने इसे छुआ नहीं है, पर मजबूरी पता है ना आपको, मजबूरी में इंसान गधे को भी बाप बोल रहा है आफ्टर ऑल, ये कहावत है। सो उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे मुझे ये मिला था, तो सूरज की रोशनी से बचने के लिए मुझे ये यूज करना ही पड़ा। मैं इसे कभी भी रिपर्चेस नहीं करूंगी, किसी को रेकमेंड भी नहीं करूंगी। 10 में से काम करता है अच्छा खासा तो मैं इसे सिर्फ 4 दूंगी, बाकी 6 मैं इसकी ह्यूज केमिकल वाला जो लिस्ट है ना उसकी वजह से कट कर दूंगी, सिर्फ 10 में से मैं इसे 4 दूंगी। उम्मीद है ये छोटी सी रिव्यू आपके काम आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाए। थैंक यू सो मच।